वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेबल टैग के एट्रीब्यूट, दैट इज कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। टू एट्रीब्यूट्स लेफ्ट है मेटा टेबल टैग के, आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो कॉलम स्पैन किस लिए यूज किया जाता है? द कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन आर टीडी टैग एट्रीब्यूट। ये टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। These are used to specify the number of rows or columns a cell should span. कि आपका जो रो या कॉलम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर अरेंज होगा, सेट होगा, ये आपको बताता है। कॉलम स्पैन इज यूज फॉर स्पैन और मर्जिंग टू और मोर कॉलम्स। आप स्पैन को मर्ज की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। अगर टू या मोर कॉलम्स को आपको मर्ज करना है तब हम यूज करते हैं कॉलम स्पैन। एग्जाम्पल, इनकी वैल्यू जो है नंबर्स में दी जाएगी। अगर आपने राइट किया है कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 3, विल स्पैन ही कॉलम। सेकंड है आपका रो स्पैन। रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज फॉर मर्जिंग स्पैनिंग टू और मोर रोज। टू और मोर रोज को मर्ज करने के लिए आप यूज करते हो रो स्पैन। थ्री एट्रीब्यूट हैव न्यूमेरिक वैल्यू। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे आपने राइट किया रो स्पैन इज इक्वल टू 3, विल स्पैन 3 रोज, यानी आपका जो डाटा अरेंज होगा वो 3 रोज के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। क्रिएट दिस टेबल। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका फील्ड, हेडिंग है रो नंबर, क्लास नेम। अब रो नंबर में तो सब स्टेप बाय स्टेप लिखा है आपने, 1, 2, 3, 4। जो 1 रो नंबर है वो क्लास 10 का है, उसका नेम राम है। रो नंबर 2 है, इसकी भी क्लास सेम है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये इसने पोर्शन किया है, ये आपने क्या मर्ज किया है, किन्हें मर्ज किया हुआ आपने? यहाँ पर देखिए, ये जो कॉलम है आपका, ठीक है, ये जो आपकी बॉक्स है, ये सेल है, इन दो सेल्स को मर्ज करने के बाद आ रहा है। और ये क्या आप किया है? रो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये रो स्पैन। और इसके बाद ये आपका टॉपिक, और ये जो आपका सेल है, ये आपके कितने कॉलम्स को मर्ज कर रहा है? ये आपके 3 कॉलम्स को मर्ज कर रहा है, और ये आपकी 2 रोज को मर्ज कर रहा है। तो ये आपका क्या है? कॉलम स्पैन। और ये आपका क्या है? रो स्पैन। चलिए इसका हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए नोटपैड ओपन कीजिए। एंड स्टार्ट टाइपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड टैग, टाइटल। टाइटल हमारा क्या है? एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। स्लैश टाइटल, स्लैश हेड। नाउ स्टार्ट बॉडी टैग। अब आपको क्रिएट करनी है टेबल। तो आप टेबल टैग से स्टार्ट करोगे कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। अब हमें टेबल के आगे क्या राइट करना है हम देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। ये देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल जब क्रिएट करोगे, फर्स्ट रो जो है आपकी, उसमें रोल नंबर, क्लास एंड नेम, ये हेडिंग होनी चाहिए। तो आप इसे राइट कीजिए। स्क्रीन मैक्सिमाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आपकी रो है और TR से रो स्टार्ट हुई। फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी? TH टेबल हेडिंग। फर्स्ट है आपकी रो नंबर, स्लैश TH से इसे क्लोज करोगे। सेकंड हेडिंग क्या है आपकी? क्लास, स्लैश TH। एंड थर्ड वन क्या है आपकी? नेम, इनका आउटपुट हम साथ के साथ जनरेट करेंगे, इसलिए क्लोज करके हम इसका आउटपुट देखते हैं। पहले सेव कीजिए इसे।
मैं इसको एट्रीब्यूट के नेम से सेव कर रही हूँ, एट्रीब्यूट डॉट एच टी एम एल। सेव कीजिए, डेस्कटॉप पर सेव किया हमने इसे। अब आप इसे मिनिमाइज करके देखिए कि आपकी डेस्कटॉप पर ये फाइल ओपन हो गई है नहीं। ये देखिए एट्रीब्यूट नेम से फाइल ओपन हो चुकी है, इसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। आउटपुट शो कर रहा है, करेगा भी आपको। रोल नंबर, क्लास नेम। अभी हमें इसका बॉर्डर डिफाइन करना है ताकि बॉर्डर अपीयर हो, तो यहाँ पर आप टेबल टैग के अंदर बॉर्डर एट्रीब्यूट दोगे। चेक कीजिए, अप्लाई हो गया बॉर्डर। लेंथ एंड विड्थ अप्लाई करनी है, हाइट 200, विड्थ 400। रिफ्रेश, ये अप्लाई हो चुकी है बेटा हमारी। अब हमें क्या करना है, अब सेकेंड रो जब स्टार्ट करनी है, ये देखिए जब हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे तो पहला रो नंबर तो एज इट इज राइट करना है हमें 1, फिर ये जो सेल है हमारा ये 2 रोज को स्पैन कर रहा है, यानी 2 रोज को मर्ज कर रहा है। तो हम जब क्लास का डाटा राइट करेंगे तब हम यहाँ पर टीडी के अंदर रो स्पैन देंगे। पहले आप रो नंबर अप्लाई कीजिए एज इट इज, और सेकेंड रो लाइट करने के लिए पहले फर्स्ट को एंड कीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में वर्क करना है, देन स्लैश टीआर। नाउ अगेन रो स्टार्ट कीजिए। अब जो फर्स्ट डाटा है आपका टीडी से, आपको क्या राइट करना है, 1 स्लैश टीडी। अब इसका रिजल्ट देखिए आप, रिफ्रेश कीजिए। रोल नंबर के नीचे इसने 1 राइट कर दिया है। अब आपको क्लास जब आपको राइट करनी है यहाँ पर, तो क्लास वाला जो सेल है आपका, ये आपकी 2 रोज को स्पैन कर रहा है, मर्ज कर रहा है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे। अब हमें टीडी रो स्पैन इज इक्वल टू, इतनी रोज को स्पैन कर रहे हैं 2, और डाटा क्या है हमारा 10 स्लैश टीडी। एंड थर्ड डाटा क्या है हमारे पास, राम स्लैश टीडी। स्लैश टी आर रो को क्लोज करने दिए। अब इसका आउटपुट देखिए क्या शो कर रहा है आपको, रिफ्रेश इट। नाउ फर्स्ट 10 राम। आओ नेक्स्ट रो में चलिए, नेक्स्ट रो का आपका डाटा क्या है, 2 एंड गोपाल ओनली। आपको ये अगेन राइट नहीं करना है, आपको राइट करना है 2 एंड गोपाल। चलिए 2 एंड गोपाल, सेकेंड रो स्टार्ट की। फर्स्ट डाटा है 2 एंड सेकेंड डाटा क्या था इसमें, गोपाल। अब इसे सेव कीजिए, रिफ्रेश नाउ। ये देखिए जो इसने हमने यहाँ पर रोज स्पेंड किया था, तो यहाँ पर इसको पता चल गया कि आपको इन 2 रोज के अंदर ये 10 राइट करना है, और इसने इन 2 रोज इस सेल की 2 रोज को मर्ज कर दिया। अब नेक्स्ट जो आउटपुट चाहिए आपको वो स्क्रीनशॉट में देखते हैं, हमें 3, 9 एंड हरीश। अब नेक्स्ट रो के लिए इस रो को क्लोज कीजिए, टीडी फर्स्ट क्या है डाटा आपका, 3, फिर इसकी क्लास राइट करनी है आपको 9। हमने वहां पे ओनली 10 राइट किया है, मैं 10 राइट कर लेती हूँ।
एंड थर्ड वन डाटा क्या है आपका, दैट इज हरीश। नाउ रो को क्लोज कर दीजिए, आउटपुट जनरेट करें। ये देखिए अब इसने टू रो को स्पैन किया था, तो टू रोज के बाद इसने नेक्स्ट नया डाटा ने अकॉर्डिंगली सेट कर दिया न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। नाउ आगे आपको क्या करना है, राइट? नाउ 4 8 लता, नेक्स्ट रो में आप क्या राइट करोगे, टी आर, रो को स्टार्ट किया पी डी, रोल नंबर 4 है और 8 क्लास की है वो, 8 एंड नेम क्या है उसका, लता। एंड स्लैश टी डी स्लैश टी आर, इस रो को क्लोज करने के लिए आप रिफ्रेश कीजिए इसका आउटपुट देखने के लिए। ये देखिए रोल नंबर 4 भी इसने एडजस्ट कर दिया है। नाउ लास्ट लाइन ऑफ आउटपुट आपको जो जनरेट करनी है, आपको ये ऑल कॉलम्स मर्ज करने हैं। कितने कॉलम्स मर्ज कर रहे हो आप, 1 2 3, और इसके अंदर आपने ये डाटा राइट करना है, दिस इज द फाइनल रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट इन मेरिट लिस्ट। नाउ वी राइट हेयर, अकॉर्डिंग में राइट करेंगे, न्यू रो स्टार्ट कीजिए पहले। तो अब जब आपने टी डी राइट किया, टी डी के अंदर राइट करोगे कि आपने कितने कॉलम स्पैन किए, 3। अब इसका डाटा राइट करोगे, दिस इज द फाइनल रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट स्लैश टी डी स्लैश टी आर। हमने यहाँ पे कॉलम स्पैन जो भी देना है, रो स्पैन टी डी टी बीच में देंगे, एंड जो वैल्यू देनी है वो टैक्स विद इन टैक्स अप्लाई करोगे आप। अब इसको सेव कीजिए एंड रिजल्ट देखिए। अरेंज हो गया है, आप जैसी टेबल बोल रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो चुकी है। फॉन्ट का साइज आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए आप अपना फॉन्ट का साइज। इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट की जिसके अंदर आपने रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन बोथ एट्रीब्यूट्स का यूज किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।